अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। आज मैं आपको ले चलती हूँ गुलशन मैमार और हम वहाँ का आपको डिटेल में टूर करवाते हैं। अच्छा, यहाँ मैमार में एंटर होने के 2 से 3 गेट्स हैं और ये मेन गेट है और यहाँ जैसे ही हम एंटर होते हैं यहाँ से Z6 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। यहाँ ये इतना रौनक वाला एरिया हो गया है गुलशन मैमार जो है, यहाँ कौन कह सकता है इसको देख के कि यहाँ अब से 30 ईयर्स पहले यहाँ ये बहुत थोड़ा आइसोलेशन हुआ करता था और यहाँ लोग आने के लिए थोड़ा खौफज़दा होते थे, मगर अब ये बिल्कुल एक कंप्लीट जो है सिटी का लुक है। ये एरिया इतना वैल्यूएबल हो गया है कि जहाँ 30 साल पहले जहाँ की जो ज़मीनों की जो वैल्यू थी वो 20-20 लाख हुआ करती थी, 20 लाख 30 लाख, लेकिन आज ये करोड़ों में। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन गुलशन मैमार में रिहाइश पज़ीर होने के 2 बड़े फ़ायदे हैं जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा जी, यहाँ की जो लोकेलिटी के लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बात बताई कि इनके यहाँ पे ना मैमार में पानी बिजली और इसका ना कोई इतना मेजर इशू नहीं है, जबकि हमारे शहर साइड पे पानी का बहुत मसला होता है, बिजली का तो है ही है पूरे शहर उसमें, लेकिन यहाँ पे भी है प्रॉब्लम, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी शहर साइड पर है। वहाँ पर हम लोग बोरिंग करवाते हैं, खारा पानी आता है, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैमार में जो है मीठा पानी आता है। अच्छा जी, ये सेक्टर Z है, यहाँ पे 80 गज से लेकर 600 यार्ड तक के मकानात अवेलेबल हैं। Z6 का जो है ये मेन मार्केट है, यहाँ तमाम सेक्टर्स के लोग यहाँ से जो है वो शॉपिंग वगैरह करते हैं। यहाँ हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, हर तरह की आप ग्रॉसरी कर सकते हैं, चिकन बीफ मटन ये आपको सब इसी सेक्टर में यहाँ से ख़रीदारी हो सकती है। बाकी एक जैसे होता है ना हमारे शहर की तरफ गलियों में भी दुकानें होती हैं और हर तरह की आप वहाँ से भी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपने जो भी लेना है वो Z6 से ही आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ से सेक्टर X शुरू हो जाता है और ये बहुत ही कूल और काम एरिया है, मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ से जो है ये रेजिडेंशियल एरिया शुरू होता है। यहाँ के घरों की आप बनावट और इनकी खूबसूरती को चेक करें, ये किसी भी तौर से डिफेंस क्लिफ्टन के मकानात से कम नहीं है। मेन कम्युनिटी हॉल है। सेक्टर 8 स्टार्ट हो जाता है और यहाँ 120 यार्ड से लेकर आपको 240 यार्ड तक के मकानात में मिलेंगे।
कराची का सबसे फेमस ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट भी इसी गुलशन मैमार में पाया जाता है। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ ये मेन गेट है रिजॉर्ट्स का। पार्लर की भी एक ब्रांच गुलशन मैमार में अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको दो बड़े एडवांटेजेस बताऊंगी जो यहाँ के रहने वालों के, वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ जब बारिश होती है ना तो पानी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल स्टे नहीं करता। जैसे हमारे शहर की साइड पे पानी घुटनों घुटनों खड़ा रहता है और दो दिन तो हो ही जाते हैं कि वो क्लियर नहीं होता, लेकिन यहाँ ना बिल्कुल पानी नहीं रुकता। यहाँ बारिश हुई और थोड़ी देर में पता नहीं चलता कि यहाँ पर बारिश हुई है, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब शहर के हालात ख़राब हों, अब अनफेवरेबल हों, तो जो जलाव गहराव वगैरह हो रहा होता है वो यहाँ ऐसा इसका कोई यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता, जो कि एक बहुत ही पुरसकून बात है। अच्छा, ये यहाँ की सोसाइटी का स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और प्लस जिम है और बच्चे का कराटे वगैरह भी यहाँ सीखते हैं। इससे आगे चलें तो यहाँ पे ये लेडीज़ का, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है, ये जिम है। यहाँ की सोसाइटी में एक पार्क है, यहाँ का ये इवनिंग में जो है लेडीज़ और बच्चे यहाँ पर होते हैं और ये वॉक के लिए यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा माहौल बना हुआ होता है। अच्छा जी, अब टूर कंप्लीट हो गया, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक हाई केयर ऑफ़ योरसेल्फ।